गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीके। ठीक है, जीके का हम पहले पेज नंबर करेंगे 6। तो पेज नंबर 6 में क्या है, गिवन बिलो द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ सम प्लेसेस विच आर मेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, चूज एंड राइट करेक्ट नेम ऑफ प्लेस अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शंस। मतलब आपको यहाँ पर क्या है कि गिवन बिलो ये आर पिक्चर्स, हमें यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पिक्चर्स दे रखे हैं, नेम ऑफ सम प्लेसेस यहाँ पे कुछ प्लेसेस के दे रखे हैं, विच आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस है चूज एंड राइट करेक्ट नेम एंड प्लेस अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे प्लेसेस के वो दे रखे हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। तो करो, ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, वो जो जहाँ पर बीज रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एपायरी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे बीज हो सकते हैं। ठीक है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, क्या यहाँ इनमें से देखो बर्ड्स कहाँ रह सकते हैं, एवेरी में। ठीक है, एवेरी में। ए प्लेस वेयर एनिमल कैन लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस बताओ जहाँ पे एनिमल लीव कर सकते हैं, रह सकते हैं इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, मतलब अपनी नेचुरल सराउंडिंग में रह सकते हैं, प्राकृतिक उसमें रह सकते हैं, एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कि लॉ भी उसे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो ये कौन सा है, सेंचुरी। देखो यहाँ पे ला भी वो कर रहा है। देखो, ए डे केयर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन के लिए डे केयर उसे बोलते हैं क्रैच। जैसे मान लो कि सपोज करो छोटा बच्चा है कोई, नियर अबाउट वन ईयर का है, और मम्मी पापा जॉब पे जाते हैं, घर में दादी दादा नहीं है, तो उस बच्चे को क्या करते हैं जल्दी, अब स्कूल में इतने छोटे बच्चे को वन ईयर के या 2 ईयर के बच्चों को स्कूल में नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन बच्चों को कहाँ डाल देते हैं, क्रैच में डाल देते हैं, और उनकी वहाँ पर केयर होती है, वहाँ सिर्फ उनको उठना बैठना सिखाते हैं और खाना पीना सिखाते हैं, बट केयर होती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पढ़ते नहीं है बच्चे क्रैच में। ठीक है, क्रैच, ये देखो ये क्रैच दिख रही है, यहाँ पे बच्चे वो कर रहे हैं। ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड एंड कैप्ट टू रिकवर। एक प्लेस बताओ जहाँ पे सिक पीपल जो होते हैं ट्रीट, सिक पीपल मतलब बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, और किप टू रिकवर मतलब वहाँ रिकवर भी होते हैं। तो देखो इसमें से कौन से कहाँ पे, कहीं पे देखो ये बेड लगे हुए लिख रहे हैं, बेड लगे हुए दिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सेंट्रोरियम बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको क्ल्यू मिल जाएगा। अब मैम कहोगे, मैम ये भी हो सकता है यहाँ पे भी बेड लगे हैं, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म्स हैं, तो ये जो हो सकता है हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है सेंट्रोरियम जो है इसका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्पोर्ट एरिया विद सीट ऑफ स्पेक्टेटर्स। एक स्पोर्ट एरिया है विद सीट ऑफ स्पेक्टेटर, स्पोर्ट्स एरिया का मतलब जहाँ पे सीट्स जो होती है दर्शकों के लिए होती है, तो वहाँ पे देखो स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स तो यहीं स्टेडियम में ही खेले जाते हैं, तो देखो स्टेडियम इसका आंसर है। ठीक है, एक ग्लास बिल्डिंग वेयर प्लांट्स, दैट इज ग्रीन हाउस। ए बिल्डिंग टू एकोमोडेट सोलिडर्स, एक बिल्डिंग है जो कि एकोमोडेट है, जहाँ पर हमारे सोलिजर्स रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सोलिजर्स की क्या दे रखी है, वर्दी दे रखी है, उनकी यूनिफॉर्म दे रखी है, तो बैरेक्स हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज नंबर है 7। फ्यू आइटम बेस्ड ऑन द नंबर आर गिवन बिलो, फाइंड देयर मीनिंग फ्रॉम हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। अब देखो हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, और इसमें से हमें चेक करना है बेस का क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, वन एंड ऑल के लिए आ जाएगा आपके पास। वन एंड ऑल का जब आप हेल्प बॉक्स में देखोगे, तो वन एंड ऑल का जब हम मैं बोल रही हूँ वन एंड ऑल, तो इट मीन्स एवरी वन। पुट टू एंड टू गैदर टू गैस द ट्रूथ। दो या दो से ज़्यादा जब कब इकट्ठे होते हैं, जब उन्होंने गैस करना होता है ट्रूथ को। ऑन ऑल फोर्स का मतलब क्या होगा, विद वन हैंड्स एंड नी ऑन राउंड्स। अगर किसी ने गलती की होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि अपनी नी को ग्राउंड करो, झुकाओ। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स उसको 6 और 7 में मतलब क्या हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है। तो देखो इन कन्फ्यूज़न आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ जो है आपका बेटा, यहाँ पे फिफ्थ जो है आपका दे रखा है इन 180s का मतलब है कि बिटवीन, इन 180s इसका मतलब होगा बिटवीन द एज ऑफ 80 to 90 के बीच में। सिक्स जो है आपके पास क्या है, 9 to 5 में क्या होगा बेटा, ये 9 to 5 क्या है,
नॉर्मल ऑफिस आवर्स हो सकते हैं, इनको हेल्प बुक्स में से क्ल्यू ले लेना। तो 9 to 2 hours क्या हैं बेटा आपके, नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं, मतलब जो ऑफिस के जो ऑफिस लगता है वो 9 to 5 ही लगता है, तो वही है नॉर्मल ऑफिस आवर्स है। 10 to 1, 10 to 1 का मतलब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, प्रोबेबली। एट 11th hours, 11th hours मतलब 11 घंटे, यानी कि वो लास्ट मोमेंट में कर रहा है, ठीक है, ऑन लास्ट मोमेंट, ठीक है, मोमेंट। 2 is company, 3 is crowd, मतलब अगर हम मान लो कि 2 friend है, 2 के बीच में तीसरा आ जाए, 3 is crowd, क्राउड हो जाता है, तो ये इसका क्या होगा, 2 people enjoy spending time, 2 people अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं टाइम को विद ईच अदर आपस में। अगर तीसरा कोई आ जाए तो हम क्या है, हम डिस्टर्बेंस फील होते हैं भी, हमारी वो हमारे साथ बात नहीं कर रहा, या आप उनके साथ वो तीसरे वाला जैसे या मेरे साथ बात कर रहा है तो आप फील करोगे कि उसके साथ क्यों बात कर रहा है। अगर आपके साथ बात कर रहा है तो फिर आप क्या कहोगे, फिर मैं सोचूंगी हाय मैं अकेली हो गई हूँ। तो क्या होगा, 2 की कंपनी जो है, 2 people इंजॉय करते हैं स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। माइंड योर एक्शन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, थिंक एंड टिक द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, टिक करना है करेक्ट बेस्ट ऑप्शंस के ऊपर। सम ऑफ योर फ्रेंड इन योर स्कूल डिसाइड नॉट टू अलाउड टू क्लास, नॉट टू अटेंड क्लास बट हाइड इन कैंटीन यू विल। कि आपके अगर आपके फ्रेंड आपको कहते हैं, योर फ्रेंड इन योर स्कूल आपके स्कूल में डिसाइड करते हैं नॉट टू अटेंड क्लास, कि हमने अटेंड नहीं करनी क्लास, बट हाइड द कैंटीन, कैंटीन को आपने हाइड करना है, तो आप इसमें से यू विल आप क्या चुनोगे, ज्वाइन योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करोगे या क्लास में जाओगे या डिसएग्री करोगे एंड एक्सप्लेन देम द रीज़न। आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट करोगे, ठीक है। द टैप इन योर स्कूल आर ओपन, अगर आपके स्कूल में जो टैप है यानी कि जो टूटी है अगर वो ओपन है एंड वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड, वाटर वेस्ट हो रहा है मतलब पानी ऐसे वेस्ट हो रहा है, यू विल, तो आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे या फिर इन्फॉर्म करोगे टीचर को या क्लोज दैम एट वंस, आप उसको क्लोज कर दोगे वंस में, ठीक है। यू सी योर फ्रेंड चीटिंग इन एग्ज़ाम, आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड चीट कर रहा है मतलब नकल कर रहा है आप एग्ज़ाम में, यू विल, तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे टीचर को, नॉट बोदर करोगे या फिर स्टॉप हिम हर फॉर डूइंग रॉन्ग, भी आप उसको कहोगे कि ऐसा रॉन्ग मत कर, गलत मत कर, ठीक है। आप इन तीनों में से सिलेक्ट करके ये आप मुझे स्पेस सेंड करना। योर टीचर इज अपसेट, अगर आपका टीचर अपसेट है मतलब परेशान है विद यू आपसे, फॉर नॉट डूइंग योर वर्क, कि आप अपना काम नहीं कर रहे, योर टीचर इज अपसेट विद यू फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क, यू विल, आप क्या करोगे, अपोलोगाइज एंड डू द वर्क, आप टीचर को कहोगे कि मैम मैं कर दूंगा या फिर जस्ट इग्नोर, मैम की बात को इग्नोर कर दोगे, सुनोगे नहीं, अनसुना कर दोगे, मेक फॉल एक्सक्यूजेज मतलब गलत गलत एक्सक्यूजेज दोगे, बहाने करोगे, तो इसमें से आप क्या करोगे, तो वो आपने टिक करना है, ठीक है। योर फ्रेंड आर फाइटिंग ड्यूरिंग रिसेस टाइम, आपका जो फ्रेंड है वो फाइट कर रहा है रिसेस टाइम में, तो आप क्या करोगे, यू विल, नॉट बोदर, कि आपको कोई परेशानी नहीं है, या कॉल ए टीचर, अपने टीचर को बुलाओगे, या ट्राई टू स्टॉप द फाइट, या आप कोशिश करोगे फाइट को स्टॉप करने की जो लड़ाई हो रही है, तो आप इन दिनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे। यू फाइंड एन एक्सपेंसिव मोबाइल, आपको एक एक्सपेंसिव मोबाइल मिला है मतलब बहुत कीमती बहुत महंगा मोबाइल मिला है, लेइंग ऑन द स्कूल ग्राउंड मतलब आपको स्कूल ग्राउंड में मिला है, यू विल, आप क्या करोगे, ट्राई टू फाइंड द ओनर, या उसके मालिक को ढूंढोगे, या गिव इट योर टीचर, आप उस मोबाइल को अपने टीचर को दे दोगे, कीप इट योर क्विटली मतलब अपने पास ही शांति से रख लोगे, तो आप इसमें से तीनों में से क्या कौन सा ऑप्शन चुनोगे, ठीक है। योर पेरेंट वॉन्ट टू ज्वाइन ट्यूशन, आपका पेरेंट्स जो हैं आपके मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं मतलब पेरेंट्स हैं, तो यू वॉन्ट टू यू टू ज्वाइन क्लासेस विच यू डोंट लाइक, आपकी जो मम्मा है आपके मम्मा पापा हैं वो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए ट्यूशन क्लासेस को विच यू डोंट लाइक, जो कि आप पसंद नहीं करते, तो यू विल, आप क्या करोगे, सिंपली ओबे करोगे मतलब उनकी आज्ञा मानोगे जो कह रहे हैं, या आर्ग्यू करोगे बहस करोगे उनके साथ, या डिस्कस करोगे किसका मैटर को पीसफुली मतलब, या डिस्कस करोगे जो मैटर है उनको शांति से। तो आपने इनमें से जो पेज नंबर 8 है इसमें से अपने पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। देन आपका पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 इज क्या है,
मेक अ न्यू वर्ड्स, आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं बाई रिप्लेसिंग जस्ट वन लेटर एंड ई स्टेप वन हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके लिए एक डन किया हुआ। देखो प्लेन है, प्लेन, प्ले, क्ले, क्लैप, पी पी फर्स्ट लेटर सेम। देन उन्होंने कहा है कि आपको ये दे देंगे प्लेन, फिर ये दे देगा प्लेन। ये जो डैश वाला है कि आपको फर्स्ट टू लेटर, ये इसमें फर्स्ट देखो पी सेम है, देन में सी सेम है, देन यहाँ पे भी देखो हैंड, हैंड से यहाँ पे में क्या है कि आपको फर्स्ट लेटर क्या है इसमें चेंज करना है, हैंड बैंड, बी ए एल डी, बेल, ठीक है, ड्रॉप क्रॉप चॉप चिप, हेड हेयर हेयर मेयर, टेल सॉरी टेल टॉल टेल सेल वोम वाम हाम हेयर, ठीक है। ये तो आपको अपनी उसके लिए करना है प्लान्स के लिए, जैसे आप कर रहे हो कि वर्ड्स आपको दे दिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पेज नंबर 11, रीड द डिस्क्रिप्शन, आपको ये डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं उनको रीड करना है एंड नेम द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटीज़ के नेम बताने हैं। द सॉफ्ट नेचर्ड बॉय फ्रॉम मालगुड़ी, सॉफ्ट नेचर बॉयज़ इन मालगुड़ीज़, मालगुड़ीज़ में कौन है, स्वामी। द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनके महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रैंड अंकल ऑफ पांडवास एंड कौरवस, जो ग्रैंड अंकल थे वो कौन थे, भीष्मा, ब्रदर ऑफ रावणा हु स्लेप्ट फॉर सिक्स मंथ्स, कि रावण के जो मतलब भाई थे जो कि 6 महीने सोते थे वो कौन से थे, कुंभकर्णा। द होली मैन हु कंपोज्ड द रामायण, एक होली मैन का नाम बताओ वो जिसने कंपोज किया था रामायण को, तो वो है वाल्मीकि। नोबल लिटरेट एंड कंपोजर्स ऑफ गीतांजलि, वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देन फिल द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लू, आपको क्लू दे रखे हैं ऐसे डाउन वर्ड में दे रखे हैं, तो देखो यहाँ से आपको डाउन में दे रखा है, तो आपको वर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ जूमिंग बना दिया, सेकंड आपके पास क्या है ट्रोप क्राउड स्लैम, ये वर्ड्स बनाने हैं आपको उसमें से। देन आपका क्या है टिक द एरकोनियम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको एरकोनियम्स वर्ड्स बनाने हैं। बेटा हम क्वेश्चन 3 है वो बाद में करेंगे, देखो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में आपके पास क्या है, हमें क्या करना है, नेम द प्लेसेस वेयर यू वुड गो टू द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब ऐसा नेम बताना है इन प्लेसेस का जहाँ पर आप इन फॉलोइंग थिंग्स को करते हो, टू फाइल एन एफ आई आर, आप कहाँ पे करते हो FIR कराने के लिए, कहाँ जाते हो, पुलिस स्टेशन में, दैट इज़ फर्स्ट पुलिस स्टेशन। टू एडमिट एन एक्सीडेंट विक्टम, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट एडमिट, उसको कहाँ करवाते हो एडमिट, हॉस्पिटल में। टू रिसीव योर रिलेटिव हु इज़ कमिंग फ्रॉम USA, आपका कोई भी रिलेटिव है वो USA से आ रहा है, उसको रिसीव करना है तो आप कहाँ से करोगे, लोगे कहाँ से उसको, एयरपोर्ट से। टू असेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इफ़ यू हैव डोंट हैव कंप्यूटर एट होम, अब इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। टू असेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इफ़ यू डोंट हैव कंप्यूटर एट होम, आपके घर में क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, साइबर कैफे में। टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, आप अपनी जो पैसे होते हैं वो कहाँ है, जमा या फिर निकालते हो, वो कहाँ से निकालते हो और कहाँ डालते हो, तो वो क्या है, बैंक के थ्रू, ठीक है। देन आपके पास है राइट ए वर्ड मीनिंग पी एंड कॉलम बी, कॉलम राइट ए वर्ड स्टार्टिंग विद पी, पी से स्टार्ट करना है इन कॉलम बी, कॉलम बी के, एंड देन नियरेस्ट मीनिंग इन कॉलम ए, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, मतलब ये क्या होगा कि आपको ये फर्स्ट वर्ड है पी, आपको फिक्स करना है, पी हर जगह फिक्स है आपको, जैसे गुड लुकिंग हम कहते हैं यार गुड लुकिंग, तू अच्छा लग रहा है, तो यानी कि ब्लेसिंग, ठीक है। फॉल्टलेस मतलब फॉल्टलेस का, फॉल्टी का मतलब क्या होता है, गलती, फॉल्टलेस मतलब कोई गलती नहीं है यानी कि परफेक्ट। ट्रैवलर, अब ट्रैवलर मतलब जो यात्रा करने वाले उनको ट्रैवलर्स, दैट इज पैसेंजर, मीन सेम मीनिंग करनी है। बाय, बाय का मतलब खरीदना, परचेस वो भी मतलब खरीदना। अबंडेंट का मतलब क्या होगा, अबंडेंट और प्लेंटी, ठीक है। ये क्या होगा, अबंडेंट का मतलब है कि जितनी अमाउंट में, जैसे कि काफ़ी इनफ, इनफ में होगा कि ज़्यादा होगी, अबंडेंट मीन्स काफ़ी है, इनफ
क्वांटिटी में हो गया। स्ट्रेंज हम कहते हैं, स्ट्रेंज मतलब कि जो हमने कभी देखा ना, एकदम डरावना टाइप, इसका पीक्यूलर। ठीक है, तो बेटा आप 12 कर लेना, 12 पेज नंबर कर लेना, और ये जो है आपका 11 पेज नंबर में थर्ड क्वेश्चन एंड पेज नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।